1893 की 18th जनवरी की बाप दादा की अव्यक्तवाणी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट ग्रुप के साथ बाप दादा की मुलाकात। अटेंशन और चेकिंग रूपी पहरेदार ठीक है तो खजाना सेफ रहेगा। सदा अपने को बाप के सर्व खजानों के मालिक है ऐसा अनुभव करते हो? मालिक बन गए हो या बन रहे हो? जब सभी बालक सो मालिक बन गए तो बाप ने सभी को एक जैसा खजाना दिया है या किसको कम दिया किसको ज्यादा दिया? एक जैसा दिया है ना। जब मिला एक जैसा है फिर नंबरवार क्यों? खजाना सबको एक जैसा मिला है फिर भी कोई भरपूर और कोई कम। इसका कारण है कि खजाने को संभालना नहीं आता है। कई बच्चे खजाने को बढ़ाते हैं और कोई बच्चे गवाते हैं। बढ़ाने का तरीका है बांटना। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, जो नहीं बांटते उनका बढ़ता नहीं। अविनाशी खजाना है, इस खजाने को जितना बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हो। सभी खजानों को संभालना अर्थात बार बार खजानों को चेक करना। जैसे खजाने को संभालने के लिए कोई न कोई पहरे वाला रखा जाता है, तो इस खजाने को सदा सेफ रखने के लिए अटेंशन और चेकिंग ये पहरे वाले हैं। तो जो अटेंशन और चेकिंग करना जानता है उसका खजाना कभी कोई ले जा नहीं सकता, कोई खो नहीं सकता। तो पहरे वाले होशियार है या अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं? पहरेदार भी जब सो जाते हैं तो खजाना गवा देते हैं। इसलिए अटेंशन और चेकिंग दोनों ठीक हो तो कभी खजाने को कोई छू नहीं सकता। तो अनगिनत अखूट अखंड खजाना जमा है ना। खजानों को देख सदा हर्षित रहते हो? कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुख की लहर तो नहीं आती है? बाबा कहते स्वप्न में भी दुख की लहर न हो। जब दुख की लहर आती है तब खुशी गुम होती है। उस समय बाप को सुख के सागर के स्वरूप से याद करो। जब बाप सुख का सागर है तो बच्चों में दुख की लहर कैसे आ सकती? आप आत्माओं का अनादि आदि स्वरूप भी सुख स्वरूप है। जब परमधाम में है तो भी सुख स्वरूप है, और जब आदि देवता बने तो भी सुख स्वरूप थे। तो अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में रखो तो कभी भी दुख की लहर नहीं आएगी। अच्छा, पांडवों को कभी दुख की लहर आती है? कभी क्रोध करते हो? क्रोध करना अर्थात दुख देना दुख लेना। जिसको कभी क्रोध नहीं आता है वो हाथ उठाओ। घर वालों का भी सर्टिफिकेट चाहिए। कभी कोई गाली दे इंसल्ट करे तो भी क्रोध न आए। सभी का फोटो निकल रहा है, नहीं आता है तो बहुत अच्छा। लेकिन आगे चलकर किसी भी परिस्थिति में भी माया को आने नहीं देना। अगर अभी तक सेफ है तो मुबारक, लेकिन आगे भी अविनाशी रहना। अच्छा, माताओं को मोह आता है? पांडवों में होता है रोग जो क्रोध का ही अंश है और माताओं में होता है मोह। तो इस वर्ष क्या करेंगे? क्रोध बिल्कुल ही नहीं आए। ऐसे तो नहीं कहेंगे करना ही पड़ता है नहीं तो काम नहीं चलता। आजकल के समय के प्रमाण भी क्रोध से काम बिगड़ता है और आत्मिक प्यार से शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा विकार है। तो क्रोध जीत बनना ब्राह्मण जीवन के लिए अति आवश्यक है। माताओं को मोह जीत बनना है। कई बार मोह के कारण क्रोध भी आ जाता होगा। सबने क्या लक्ष्य रखा है? बाप समान बनना है। तो बाप में क्रोध व मोह है क्या? तो समान बनना पड़े ना। कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन मोह जीत बनना अर्थात ब्राह्मण जीवन का सुख लेना। तो और अंडरलाइन करके इस वर्ष में समाप्त करो। अच्छा, फिर नेक्स्ट ग्रुप से मुलाकात का टाइटल, राजयोगी वह जो अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाए। सभी एक सेकेंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकते हो या टाइम लगेगा?
आप राजयोगी हो। राजयोगी का अर्थ क्या है? राजा होना। तो शरीर आपका क्या है? कर्मचारी है ना। तो सेकंड में अशरीरी क्यों नहीं हो सकते? ऑर्डर करो, अभी शरीर भान में नहीं आना है। तो नहीं मानेगा शरीर? मानेगा ना। तो राजयोगी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान। तो है ना सभी मास्टर सर्वशक्तिमान? कहे हाँ जी बाबा। मास्टर सर्वशक्तिमान कर्म बंधन को भी नहीं तोड़ सकते, तो मास्टर सर्वशक्तिमान कैसे कहला सकते? कहते हो हाँ, कहते हो ना कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। तो इसी अभ्यास को बढ़ाते चलो, राजयोगी अर्थात राजा बन इन कर्म इंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाने वाले। क्योंकि अगर ऐसा अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट टाइम पास विथ ऑनर कैसे बनेंगे? धक्के से पास होना है या पास विथ ऑनर बनना है? जैसे शरीर में आना सहज है, सेकेंड भी नहीं लगता है क्योंकि बहुत समय का अभ्यास है, ऐसे शरीर से परे होने का भी अभ्यास चाहिए और बहुत समय का अभ्यास चाहिए। लक्ष्य श्रेष्ठ है तो लक्ष्य के प्रमाण पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ करना है। अच्छा, तो हमारा पुरुषार्थ भी लक्ष्य के प्रमाण श्रेष्ठ हो। पापा कहते हैं सारे दिन में ये बार बार प्रैक्टिस करो। अभी अभी शरीर में है, अभी अभी शरीर से न्यारे अशरीरी है। लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आने के लिए फास्ट पुरुषार्थ करना पड़े। सबसे ज्यादा खुशी किसको रहती है? किस बात की खुशी है? सदैव अपने प्राप्त हुए भाग्य की लिस्ट सामने रखो। कितने भाग्य मिले हैं? इतने भाग्य मिले हैं जो आपके भाग्य की महिमा अभी कल्प के अंत में भी भक्त लोग कर रहे हैं। जब भी कोई कीर्तन सुनते हो तो क्या लगता है किसकी महिमा है? डबल फॉरेनर्स का कीर्तन होता है। संगम पर भाग्यवान बने हो और संगम पर ही अब तक अपना भाग्य वर्णन करते हुए सुन भी रहे हो। चैतन्य रूप में अपना ही जल चित्र देख हर्षित होते हो। अच्छा, ओम शांति। कल कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग की स्थिति में बैठेंगे, बाबा की याद में समा जाएंगे। और कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30 मुरली क्लास 4:45 बजे नेक्स्ट लिंक। रात्रि क्लास अवेक्तवाणी के आधार पर 9:45 बजे। ओम शांति।